हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उमेश शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज हमारे साथ है ऐसे टैलेंटेड मेहमान जिन्होंने हर किसी को अपना दीवाना बनाया है, और कबूल है का 2.0 वर्जन लेकर हमारे बीच है करण। कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ा ही प्यार मिल रहा है, बड़ा ही धमाकेदार रिस्पॉन्स मिल रहा है ट्रेलर को। सो क्या कहना चाहेंगे, पहले हमें ये बताइए। थैंक यू। मैं पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा फॉर हैविंग मी ऑन द शो, और थैंक यू जो लोग देख रहे हैं। हम ट्रेलर को कुछ 2.3 मिलियन व्यूज, मतलब इट्स लाइक अ ह्यूमंगस नंबर। पहले भी सबने काफी प्यार दिया हमारे शो को, अभी इस नेक्स्ट वर्जन के साथ भी प्यार मिल रहा है। सो वेरी वेरी हैप्पी एंड वॉन्ट टू थैंक एवरीवन दैट लव्स अस। जी बेशक, बहुत ही प्यार मिल रहा है। तो कहा जाए 2013 में पहली शुरुआत हुई थी कबूल है की, और आज काफी लंबा वक्त बीत चुका है। क्या कुछ डिफरेंसेस देखते हैं करण आप? शो में या लाइफ में बहुत डिफरेंसेस हैं वैसे शो में बता दीजिए पहले तो। तो। शो में हम असद जो मेरा कैरेक्टर है वो सेम है, उसकी फैमिली और उसका बैक स्टोरी सेम है। जोया जो दूसरी मेन कैरेक्टर है वो उनका कैरेक्टर भी सेम है, बट उनकी फैमिली और उनकी बैक स्टोरी चेंज हो गई। और ये एक ऑल्टरनेट डिफरेंट यूनिवर्स में है, ये उस दुनिया में नहीं है, एक और दुनिया है जिसमें ये दोनों कैरेक्टर्स हैं। और उस स्टोरी से रिलेटेड इस स्टोरी में कुछ नहीं है, देर इज नो कंटिन्यूएशन, देर इज नो लिंक, देर इज नो मेंशन। जस्ट द ओके, कैरेक्टर जो है वो अभी दूसरी दुनिया में, तो अभी ये फिर से पहली बार मिलेंगे, फिर मतलब इनके बीच में प्यार होगा। और इनके आसपास की जो दुनिया है वो बिल्कुल बदल गई है। सो इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट वर्जन ऑफ कबूल है। बेशक ये वर्जन हर किसी को अपना दीवाना बना रहा है सोशल मीडिया पर डिजिटली। थैंक गॉड। जी करण, ये टेलीविजन का कहा जाए सबसे बड़ा शो रहा है, और लोग आज भी यूट्यूब पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर वो क्लिप्स देखते हैं, वो वीडियोस या वो एपिसोड्स देखते हैं फिर। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना कबूल है के साथ कितना बड़ा चैलेंज था करण? चैलेंज नहीं है एक्चुअली, एक वो इट्स एन इनेविटेबिलिटी, मतलब ये होना ही था। सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ ही रहा था। ये मूव तो शुरू हो गई थी काफी टाइम से, सब चैनल्स की भी अपने डिजिटल पोर्टल्स हैं। तो जैसे आपके साथ भी ऐसे ही है, क्योंकि आप एक मतलब डिजिटल पोर्टल पर हैं। और ये सब ने शुरू कर दिया था, ये पैंडेमिक की वजह से थोड़ा इसे सुपर स्पीड फास्ट फॉरवर्ड बूस्ट मिली है। तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम एटलीस्ट मैं तो अपनी तरफ से कहूँगा कि मैं जब भी कोई भी काम करता हूँ तो उसमें कंटेंट क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है और मैं कैसे अपने ऑडियंस से कनेक्ट करूँगा, वो ही मेरा ध्यान रहता है। और बाकी मेहनत रहती है, तो वो अभी सब एक वेव में जा रहे हैं, एक चेंज में जा रहे हैं टूवर्ड्स द डिजिटल वर्ल्ड। और हम भी उसी का पार्ट हैं, क्योंकि वी आर ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड टू बी एंटरटेनिंग एवरीबडी, वी हैव बीन गिवन दैट ऑनर एंड वी मस्ट गो विद द फ्लो, विद द वेव ऑफ चेंज जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। और हम सबको उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर बात की जाए ये डिजिटल की दुनिया कितनी खास है, क्या किस तरह एंजॉय कर रहे हैं इस डिजिटल की दुनिया? बहुत प्रोज हैं, थोड़े कॉन्स भी हैं, मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत कुछ बुरी चीजें भी हैं। बट वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से नहीं बुरी हैं, वो जो लोग उसे यूज करते हैं शायद उसकी वजह से। तो बेसिकली एवरीथिंग इज गुड, इट्स द पीपल दैट मेक इट गुड और बैड फॉर देमसेल्व्स और अदर पीपल। बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी मिराकुलस थिंग कि हम कहीं भी किसी से भी किसी भी कोने में बैठकर हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग अपना काम कर सकते हैं, वी जी कैन कनेक्ट विद आवर फैमिली मेंबर्स, वी कैन कनेक्ट विद द वर्ल्ड। अभी हम एक पूरे ग्लोबल नेटवर्क में हैं, सारे ह्यूमन बीइंग्स जो एक साथ, बोलते हैं ना कि हम सब एक हैं, एक ही भगवान ने हमें बनाया है, वो जी हम उसकी थ्रेड से कनेक्टेड हैं। तो ये हमारा एक रियलाइजेशन हमें होना चाहिए कि हम एक्चुअली हैं कनेक्टेड, ये
मतलब डिजिटल वर्ल्ड हमारा भगवान नहीं है ऑब्वियसली, बट ये हमें एक अपॉर्चुनिटी दी गई है जो प्रॉब्ली 100 साल पहले नहीं थी और उन्होंने सोचा भी नहीं था. और इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग दैट वी शुड ऑल एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज एंड थैंक एंड बी ग्रेटफुल फॉर. और बहुत से लोग हैं जो इसे यूज करते हैं इन नॉट अप्रोप्रिएट वेज, बट वो फिर सब क्या किया है क्या नहीं किया वो सब तो देखा जाएगा जब लाइफ खत्म होगी तो. बिल्कुल सही कहा आपने, ये डिजिटल डिजिटल की दुनिया ने हमें और करीब भी ला दिया है, बेशक हमें करीब ला दिया जी. करण साथ ही साथ डिजिटल की बात हो गई तो मैं ये इसका भी जिक्र करना चाहूंगा. कुछ दिनों पहले तक एक्टर्स इस बात को सेलिब्रेट करते थे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हम खुलकर काम कर सकते हैं, कोई लिमिटेड नहीं होती थी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर. बट रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई है, कुछ गाइडलाइंस आई है, कहा जाए एक तरह का एक सेंसर आया है, उस पर क्या व्यू है आपका? और देखिए मेरे फॉर मी तो मेरे साथ मैंने कुछ ऐसा फेस नहीं किया. मुझे मैंने जो भी काम किया उसमें मुझे बहुत फ्रीडम मिली है और कहीं भी कुछ लिमिटेशंस नहीं थी. थैंकफुली आई वर्क विद वेरी गुड पीपल एंड गुड कंटेंट, नथिंग वाज बीइंग स्टॉप्ड बाय एनीवन. बट ये इसके बारे में और कुछ कहना इज मतलब कुछ कह के आप इट्स अ डेथ ट्रैप बेसिकली. अगर मैं कुछ कहूं तो अच्छा नहीं है और कुछ नहीं कहूं तो भी अच्छा नहीं है, तो मतलब वो चॉइस होती है ना कि आप कैसे मानना चाहेंगे, आप आग से मानना चाहेंगे या आइस से मानना चाहेंगे, तो वैसा वाला एक क्वेश्चन है. तो मैं बहुत लंबी जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो श्योर जो लोग जो कुछ कर रहे हैं हमारी कंट्री चला रहे हैं जो भी कर रहे हैं, आई एम श्योर वो कुछ अपनी तरफ से उनकी जो सोच है उनको भी हमने चुना है, तो you know, has to be some bigger picture. बिल्कुल. सो अगर बात की जाए तो ये लंबा वक्त रहा है और इस बार एक्शन और भरपूर ड्रामा, कहा जाए रोमांस दिखाई दे रहा है, तो कुछ तैयारी भी रही है खासतौर पर, क्योंकि एक्शन तो आप पर बहुत ही बखूबी सूट करता है और बहुत ही खास नजर आते हैं जब एक्शन करते हैं, तो क्या कुछ खास तरह की तैयारियां भी रही उसके लिए? एक्शन तो मैं हर रोज करता रहता हूँ अपने घर पे अकेला, कोई मेरे एनिमीज नहीं है, सब मैं अकेले अपने इनविजिबल एनिमीज को के साथ फाइट फाइट करता हूँ बचपन से ही, तो ट्राई एंड लर्न डिफरेंट थिंग्स. जो मैं वर्कआउट करता हूँ वो भी उसका नाम मूवमेंट है, तो वो इट्स अ मिक्स ऑफ योगा एंड टाई ची एंड कैपोएरा एंड किक बॉक्सिंग एंड डांस एंड, तो बहुत कुछ होता है उसमें, तो उसमें सब कुछ मिक्स्ड है, तो इट्स लाइक एन एवरीडे थिंग फॉर मी. बट हाँ इस बार जो मेरा कैरेक्टर है वो बिजनेसमैन नहीं है, वो वर्ल्ड चैंपियन शूटर है, तो उसके लिए मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी राइफल शूटिंग की यहाँ पर इंडिया में, तो और फिर मुझे लगा था कि मैं एक्चुअली बहुत अच्छा हूँ उसमें, तो क्योंकि दो दिन में आई गॉट द बुल्सआई इन द 10 meters. और जब हम शूट कर रहे थे सर्बिया में तब भी 20 मिनट का डिस्टेंस था और मेरे ऑपोजिट जो था वो सर्बियन चैंपियन था पिछले 17 सालों से, बट आई बीट हिम इन रियलिटी. ऐसा गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ बुरा था. सो करण, जहां हम एक इमोशन बन जाता है जिस किसी शो के साथ हम लंबा हमने गुजरा हो और इतना बड़ा शो रहा हो, अब उसी टैग के साथ उसी नाम के साथ या उसी नाम के शो के साथ जब बस आप सेट पर उतरे थे तो क्या कुछ फीलिंग थी आपकी? मेरा जो तरीका है मतलब अपना आर्ट परफॉर्म करने का या पोर्ट्रे करने का वो थोड़ा अलग है, इन द सेंस दैट काफी लोगों से अनहेल्दी भी कहेंगे क्योंकि मैं एक्टिंग कर नहीं पाता हूँ, मुझे वो इंसान बनना पड़ता है और वो इंसान बनने के लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है और सब कुछ चेंज हो जाता है फ्रॉम द वे आई लुक टू द वे आई ब्रीथ टू द वे आई वॉक टू वे आई टॉक, एंड जिसमें मैं इतना प्यार और लगन डालता हूँ वो हमेशा मेरे साथ रह जाता है. तो असद अंदर कहीं था मेरे, बैठा हुआ था अपने रूम में. तो जब कबूले की वापस बात आई तो he was right there in front
जैसे मैं बात कर रहा हूँ लोग सोचेंगे शायद आई नीड प्रोबेबली प्रोफेशनल हेल्प और समथिंग, बट मेरे साथ ऐसे ही है. इट्स इट्स अ लिटिल अनहेल्दी वे ऑफ बीइंग, बट फॉर मी एज एन एक्टर आई थिंक इट वर्क्स फॉर एवरीवन अराउंड यू. दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम, बट इट्स गुड फॉर मी फॉर माय आर्ट. या एग्जैक्टली करण, और जब हम उस लाइफ को जीते हैं, उस लाइफ को हम जीने की कोशिश करते हैं बतौर एक्टर, तब भी हम उस एक्ट को या कहा जाए उस किरदार को अच्छी तरह निभा पाते हैं। और बेशक आप हर बार जिस किरदार के साथ आप जुड़ते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं। सो अगर बात की जाए असद और करण में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटीज है, कितने आसपास हैं दोनों किरदार? सिमिलैरिटी सिर्फ एक है, हम दोनों की शक्ल एक है, बस यही है सिमिलैरिटी. वैसे तो असद बहुत अलग है मुझसे, अगर एक स्पेक्ट्रम हो तो असद दूसरे एंड पे और मैं दूसरे एंड पे हूँ, क्योंकि उसे सब कुछ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है अबाउट एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, एवरीथिंग शुड बी इन द करेक्ट एंगल. और मैं मतलब सीधी लाइन सिर्फ ड्रॉ कर सकता हूँ, बाकी सब कुछ इज like all over the place. I have no shape form thing in my head also. So, or he is always perfect. ये बाल actually असद के मेरे नहीं. So, बहुत बहुत difference है. The only other thing is कि शक्ल को छोड़ के maybe I also believe in fighting for the right thing. Also believe that fighting is the last option. So, that's it. बाकी तो कुछ भी सेम नहीं है. ओके, सो फाइनली करण, कुछ ही घंटों का वक्त बचा है और कुछ ही घंटों बाद प्रीमियर होगा और लोगों में एक एक्साइटमेंट है, लोग जल्दी से जैसे ही स्ट्रीम होगा वो लोग जाके देखना चाहेंगे, तो अपने फैंस को जो हमारे दर्शक हैं उन्हें क्या मैसेज क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उन्हें फर्स्टली तो कहना चाहता हूँ थैंक यू फॉर लविंग मी एंड आवर शो, लविंग अस, क्योंकि किसी को इतना सारा अनकंडीशनल प्यार देना जिससे आप कभी मिले ना हो बहुत बड़ी बात है. मतलब हम अपने दोस्तों और अपनी फैमिलीज को अनकंडीशनल लव नहीं दे पाते हैं. टू गिव टू इट गिव योर लव सो मच ऑफ योरसेल्फ टू समबडी एल्स दैट यू नेवर मेट इज अ बिग थिंग. आई फील ऑनर्ड दैट आई कैन यू नो टेक दिस रोल ऑफ एंटरटेनिंग यू. And thank you for all the love that you keep sending every day of my life. Whether I see it or not, I feel it for sure all the time. And please watch Kubule to Quanto on Z Premium, Z5 Premium on 12th of March. And let me know how you like it. थैंक यू सो मच करण हमसे बात करने, होप कि कबूल है कि पहले वर्जन को जितना प्यार मिला था उससे ज्यादा प्यार इसे मिले और इस नए वर्जन को और दूर तक पहुंचाया. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें. चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर. तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24.